अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel, शिवानी गौरव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमारे घर के पीछे एक नहर है, वो वाली जो खेतों में पानी लगाते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से पानी छोड़ा जाता है उसमें, मतलब खेतों में जिसमें पानी लगता है वो वाली नहर है हमारे घर के पीछे। आपको दिखाती हूँ गाइस, आप गाइस ये है वो नहर। तो गाइस यहाँ पे हमने 3-4 दिन पहले एक सांप देखा था बहुत बड़ा। तो गाइस हमने सांप देखा था बहुत बड़ा और बहुत मोटा था। हमने सोचा चला जाएगा क्योंकि खेत है, पानी है, अपने आप अपनी जगह चला जाएगा। तो हमने उसकी थोड़ी सी क्लिप भी बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखना आप, कहाँ से जाली की नहीं बनी है। अरे कैसे नहीं बनी वीडियो को, कहाँ से आ गए यहाँ पे, जहरीला है ये, कटवा के देख लो और ज़ूम करो थोड़ा सा बस। इधर से यहाँ से गया है, नीचे आ रहा है, ये कहाँ चला गया। तो मैं फिर अगले दिन हमने देखा कि वो सांप वहीं पर है पानी में, उसका मुंह दिख रहा था। 3 दिन से लगातार हम उसको देख रहे हैं और आज चौथा दिन है। तो हमने जी जो है एक रामनगर में है जो स्नेक रेस्क्यू करते हैं सांप को, सांप को पकड़ते हैं। तो रामनगर में एक बार जी को मिले, जी नंबर ले लिया था, तो हमने आज उन्हें कॉल करी है और आज वो आएंगे उसको पकड़ने के लिए बुलाया। हमने इसलिए उसको बुलाया है ताकि वहाँ पानी में लोग आते रहते हैं पत्थर हटाने के लिए, कभी इधर की साइड पानी बंद करने के लिए, कभी उधर की साइड, कोई उसको मार ना दे या वो कोई किसी को काट ना दे या उसको कोई ना मार दे, वैसे भी लोग मार ही देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि उसको उसको जो है जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उन्हें रेस्क्यू करने वाले उनको बुला के उसको छुड़वा दिया जाए जंगल में। तो गाइस देखियो, तो वो आएंगे शाम को, आने वाले हैं थोड़ी देर में आएंगे। तो आप देखना जब वो लेके जाएंगे, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी वो कितना बड़ा है कितना मोटा है। तो गाइस भैया आ गए हैं और भैया ने जो है आके जहाँ हमने बताया था वहाँ देखा और वहाँ से इन्होंने वहाँ पानी में वहीं बैठा था जहाँ हमने बताया था, वहाँ से इन्होंने इस सांप को निकाला। और देखिए ये कितना गुस्सा कर रहा है, इसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसे पकड़ क्यों लिया। गाइस मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, ये कैसे पकड़ रहे हैं इसको, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये बोल ही बता रहे हैं कि पानी में रहने वाला है, अटका पड़ा था यहाँ रहने के लिए, यहीं अटका पड़ा था। तो ये लेके जा रहे हैं वही मेरे घर के अंदर से। गाइस मेरे घर के अंदर से सांप जा रहा है, मुझे देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे सांप को देखने के पास हुए इतना बड़ा। और गाइस अभी जा रहा है हमारे घर से होता हुआ घर से बाहर और इसे भैया लेके जा रहे हैं अपने साथ। बार बार इनकी स्टिक पे ही लिपट रहा है बार बार, और मुझे तो इतना डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। भैया हाथ को काटना ले, काटना ले, काटना ले। अरे अरे नहीं नहीं डरो मत, देखो ये कैसे मिट रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो गाइस ये कैसे मिट रहा है यार। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है हम दोनों को, इन्हें भी और मुझे भी, कि ऐसे हम इसको देख रहे हैं। और एक बार मेरा वीडियो भी ले लेना, मेरा भी ले लेना। ना ना आप बोलो, आप बोलो, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी। ये कितने देर हो गए आपको सांप देखे हुए? मुझे 3-4 दिन से 5। अच्छा, ये इनके यहाँ वाटर स्नेक आ गया था, शिवानी जी हैं ये, और ये यहाँ से हमने रेस्क्यू कर लिया, इसे जाके थे अभी हम जंगल छोड़ते हैं। और भी सांप ला रखा हूँ मैं, 4-5 सांप है मेरे पास, अभी पकड़ते फिर हम सुबह से यही काम है। ये हमने रेस्क्यू कर लिया है, अभी इनको जंगल जाके छोड़ते हैं, ये सांप जल्दी नहीं होते। धन्यवाद।